ऊंची चोटियों पर फिर बर्फबारी होगी, मैदानों पर फिर मेघ बरसेंगे और दुश्वारियां जाहिर तौर पर और ज्यादा बढ़ सकती है। प्रशासन तो बार बार लोगों से अपील कर ही रहा है, साथ ही जनता टीवी भी आप सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि संवेदनशील इलाकों से दूरी बनाकर ही रखें, ज्यादा बर्फबारी हो तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें। तो मौसम विभाग की तरफ से दरअसल अलर्ट जारी किया गया है और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला से पिछले दिनों की तस्वीरें जब बर्फबारी हुई थी। नीरज डोगरा हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे, लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, एक बार फिर से मौसम खराब होने का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, कल से मौसम खराब होगा? जी बिल्कुल महिमा, आज से जो है दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसका असर जो है देर रात से देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जो है 9 फरवरी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बर्फबारी, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों के लिए जो है भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जो है जारी किया गया है। वहीं कई जगह जो है हिमस्खलन की भी संभावना जताई गई है जिसके चलते प्रदेश के 21 क्षेत्रों की बात करें तो 21 क्षेत्रों में लोगों को जो है सतर्क रहने की अपील की गई है। इसके साथ साथ पिछले 3 दिनों से मौसम साफ बना रहने के कारण जो है लोगों को काफी राहत मिली है। जिला शिमला की बात करें तो सुबह से ही यहां पर अभी भी धूप खिली है और लोगों को जो है इससे काफी राहत मिल रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है महिमा। यानी कि अभी मौसम साफ है, हालांकि कल से जानकारी मिल रही है कि कल से मौसम खराब होने वाला है। एक बार राजधानी शिमला के रिज मैदान की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में, जहां पर आप तस्वीर के माध्यम से सुबह से ही जो है यहां पर धूप खिली हुई है और लोग जो है धूप खिलने से राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरह से लगातार बर्फबारी और बारिश हुई थी उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो अभी ये तस्वीरें आपको राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ नीला आसमान यहां पर देखने को मिल रहा है, हल्के हल्के बादल यहां पर देखने को मिल रहे हैं महिमा। बिल्कुल, राजधानी शिमला की खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई और चूंकि कुछ देर पहले भी तमाम दर्शकों को हमने विस्तार से जानकारी दी थी नीरज कि अभी भी कई रूट्स ऐसे हैं जहां पर लोगों को चलने में परेशानी हो रही है, जैसे कि संजौली से जब रिज मैदान की ओर आते हैं तो आईजीएमसी लक्कड़ बाजार पर फिसलन एक बड़ा मुश्किल का कारण बन चुका है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, बर्फबारी होने के बाद जो है अगर मौसम खराब, मौसम पूरी तरह से खुल जाता है तो रोड को खोलने का कार्य यहां पर मशीनरी के द्वारा किया जाता है। जिला प्रशासन यहां पर लगातार रोडों को खोलने का काम, सड़कों को खोलने का काम कार्य करता नजर आता है, लेकिन फिसलन एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी होती है उसके बाद अगर आसमान में बादल छाए हों जिसकी वजह से वहां पर जो है सड़कों में शीशा जमने शुरू हो जाता है जिसकी वजह से यहां पर फिसलन देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ा कारण है महिमा। जिला प्रशासन ने क्या एडवाइजरी जारी की है नीरज? जिला प्रशासन ने महिमा एडवाइजरी जारी की है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए और लगातार यहां पर जो है बर्फबारी देखने को मिलती है जिसकी वजह से कई जगह पर्यटकों के साथ साथ जो है स्थानीय लोग भी वहां पर फंस जाते हैं, ऐसे में जिला प्रशासन जो है लगातार इसके लिए एडवाइजरी जारी करता रहता है महिमा। बिल्कुल, तो जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अलर्ट रहें, आने जाने में परेशानियां ना हो, इसीलिए प्रशासन पूरी तरह से ग्राउंड पर भी अलर्ट है और इस बार सड़क बहाली का काम तुरंत कर लिया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी।